कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने चुनावी दौरे पर कर्नाटक में हैं, जहां वो आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। रविवार को भी उन्होंने कर्नाटक के कई हिस्सों का दौरा किया। इस दौरान राहुल गांधी को कर्नाटक के सिंधरनूर में काले झंडे दिखाए गए। हालांकि इस बारे में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। बता दें, जब वो बस से सिंधरनूर पहुंचे तो लोगों ने उनकी बस को घेर लिया और नारेबाजी शुरू कर दी। राहुल गांधी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान मंदिरों में जाना शुरू कर दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अब कर्नाटक में भी यही सिलसिला शुरू कर दिया है। राज्य में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी सिलसिले में 4 दिन के दौरे पर पहुंचे राहुल ने पहले दिन कोप्पल जिले में स्थित देवी हुल्ली गम्मा मंदिर पहुंचे। इस इलाके में ये मंदिर काफी प्रसिद्ध है। इसके बाद वो गवि सिद्धेश्वर मठ गए। ये लिंगायत समुदाय का प्रसिद्ध स्थल है। मंदिर और मठ में मौजूद लोगों से भी राहुल ने मुलाकात की और उनसे बातचीत की। रास्ते में वो कई जगहों पर रुके और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। उनके साथ मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, प्रदेश पार्टी अध्यक्ष जी परमेश्वर और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री डीके शिवकुमार भी थे। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।